नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के साथ वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का आयोजन 7 अप्रैल को शाम 7 बजे करेंगे। आपको बता दें, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल ये कार्यक्रम ऑनलाइन किया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के साथ ये चर्चा उनकी परीक्षाएं शुरू होने से पहले हो रही है। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, इस साल का कार्यक्रम नए फॉर्मेट पर बेस्ड होगा, जिसमें कई इंटरेस्टिंग सवालों को कवर किया जाएगा। बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी बोर्ड परीक्षा के छात्रों के साथ बातचीत करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं और परीक्षा के तनाव को दूर करने के लिए पीएम मोदी छात्रों के साथ कई अहम टिप्स भी साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 4था संस्करण आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत साल 2018 में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से हुई थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में छात्रों के अलावा देश भर के अभिभावक और शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। एक जानकारी के मुताबिक 10,39,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण किया है। वहीं 2,62,000 से ज्यादा शिक्षकों और 93,000 से ज्यादा अभिभावक भी इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के तहत मार्च में छात्रों के अलावा अभिभावकों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद कर इस संवाद के दौरान सवाल पूछने वालों का चयन प्रतियोगिता के जरिए किया गया। पीएम मोदी का संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का ये 4था संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, लोगों की मांग पर परीक्षा पे चर्चा 2021 में इस बार अभिभावकों और शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था, मैं छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बड़ी संख्या में परीक्षा पे चर्चा 2021 में हिस्सा लेने की अपील करता हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।